हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह हो चुकी है, आपकी भी होगी, पर मेरी सुबह जल्दी हो गई, मतलब अभी उतना सुबह नहीं है। सुबह मैं उठी हूँ 5 बजे, और 2 दिनों से मेरा ये थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है क्योंकि लक्ष्य जा रहे हैं वॉक पर मुझे लेकर। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है, मुश्किल से 1 किलोमीटर चल रहा, और उस 1 किलोमीटर में हालत हो जाती है मेरी ख़राब। घर में चलती हूँ उतना, लेकिन घर में वो इम्पैक्ट नहीं दिखता बॉडी पर जो बाहर निकल कर दिखता है। तो उसकी वजह से जब लौट कर आती हूँ, फिर अपना डेली रूटीन होता है पानी पीना, गर्म पानी ले रही हूँ तो, क्योंकि वेट तो बढ़ चुका है काफ़ी, दिख रहा है। और हो जाता है गर्म पानी का असर तो ठीक है, नहीं होता तो चलने देंगे जैसा है। और फिर उसके बाद दोबारा एक बार आँख लग जाती है, क्योंकि आप जब थक कर आते हैं तो फिर से थोड़ा सा रेस्ट लेने की सोचते हैं, इस चक्कर में फिर से दोबारा आँख लग जाती है। फिर उठी हूँ तो चाय वगैरह उसके बाद हुई है हमारी। चाय होने के बाद फिर थोड़ा गपशप, और ऑयलिंग की थी मैंने बालों में, आज से धोना नहीं है लेकिन कर लिया थोड़ा। और आज मैं पितृपक्ष के बारे में बताने वाली हूँ। श्राद्ध चल रहे हैं, सभी के घरों में श्राद्ध चलते हैं, तो बेसिकली मेरे घर में जो चलता है श्राद्ध, जो अभी तक चलता आया, मेरे साथ एक इन्फ्लुएंस है मेरे मदर इन लॉ का, बहुत प्यार है हमारे ऊपर उनका, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने जितना साथ मेरा दिया है फैमिली में, किसी का शायद नहीं दिया इतना। उसका कारण जो है वो मैं बताऊंगी, और सबके अगेंस्ट जाकर दिया था। आजकल तो सभी सास अपनी बहू को बहुत प्यार करते हैं आजकल के टाइम में, लेकिन जो पुराने टाइम के सास होते थे शायद उनमें अपनी बहू को लेकर इतना नहीं होता था जितना मेरी सास के अंदर था। और शौकीन बहुत थी मेरी मदर इन लॉ हर चीज़ की, हर चीज़ में। उनकी फ़ोटो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, वो कितनी स्मार्ट थी, बहुत स्मार्ट थी मेरे सास, मैं उतनी नहीं हूँ, मतलब वो अपने हिसाब से बहुत सिंपल रहने वाली बहू ले आए। खैर, लेकिन तो उनका श्राद्ध पड़ेगा अभी, वो जो करते थे मैंने कभी सोचा नहीं था उनके साथ इतना प्यार से रहते हुए कि कभी उनका मुझे करना पड़ेगा। मतलब अगर आज भी कुछ वापस ज़िंदगी में मांगने की बात आती है अगर भगवान से कि मैं कोई चीज़ वापस चाहूँगी, मांगना चाहूँगी, तो शायद अपनी सास को वापस मांगना चाहूँगी। वो हमारी लाइफ में वापस आ जाएं। उनके रहते हुए मेरी फैमिली में कोई तकलीफ नहीं थी कभी भी, और किसी चीज को उन्होंने फेस नहीं करने दिया। मतलब कोई प्रॉब्लम आए उससे पहले ही वो से उसका रास्ता निकाल के रखते थे, ख़त्म कर देते थे रास्ते में। तो एक बहू के लिए उनका वो बहू कम, मतलब सबसे कहती भी थी कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है, बेटी मानकर चलते थे। बहुत प्यार दिया, और जो वो जिस तरह से श्राद्ध करते थे, तो उनका श्राद्ध हुआ करता था कि वो पंडित जी को पापा जी से सीधा भिजवा दिया करते थे। तो वो तो चल ही रहा है, पर मुझे मेरी तरफ से ऐसा लगता है कि मुझे कुछ उनके नाम का स्पेशल करना चाहिए। तो बस थोड़ी देर पहले वही डिसाइड हो रहा था, मैंने कहा नहीं, मैं पंडित जी को तो भेज ही दूंगी सीधा, जो होता चला आया घर में, लेकिन उनके नाम का मैं जो जो वो खाना पसंद करते थे अधिकांश में, एक बार को उनकी पसंद का खाना बना के और थाली उनके नाम की निकाल दूंगी। वैसे तो सिंबॉलिक होती हैं सारी चीज़ें, कोई रियल में नहीं खाता। रियल में आपने जितना खिलाना था आप ऑलरेडी खिला चुके होते हैं वो सब चीज़ें, पर फिर भी एक जो अपने अंदर खुशी आती है उन सब चीज़ों को करके, वो करने की इच्छा है मेरी। तो अभी आने वाला श्राद्ध है तो मैं उस दिन देखती हूँ मैं क्या कर सकूँगी।
आज सिर्फ एक जो कच्चा कच्चा हमारा प्लान होता है बातचीत में, उतना ही हो रहा था कबीर के साथ बैठकर। उनकी बात जब भी चलती है ना, उनको खत्म हुए थोड़ा टाइम हो गया है, हम लोग आज भी उसी हाल में आ जाते हैं। मतलब लगता ही नहीं कि इतना टाइम हो चुका है उनको हमें छोड़कर गए हुए। जो घर में खालीपन आता है उसके लिए तो कम से कम उनकी याद में कुछ करना करना तो बड़ा चाहती हूँ। लेकिन कर पाऊंगी या नहीं उसका मालूम नहीं है कुछ भी। तो और जब कुछ बड़ा कर जाऊंगी तो शायद उनके नाम का ही करूंगी कुछ ऐसा। मतलब मेरी माँ से बढ़कर उन्होंने मुझे प्यार दिया, मेरी माँ से बढ़कर। मेरी माँ मुझे इतना प्यार नहीं करती थी। आप लोग सोचोगे कि अपनी माँ के लिए ऐसा कह रही है, लेकिन मेरी माँ मुझे इतना प्यार नहीं करती थी। मेरी सास बहुत प्यार करती थी मुझे, और कई चीज़ों में उन्होंने, जब मैं थोड़ा पीछे चली जाती हूँ सोचती हूँ तो कई चीज़ों में बढ़ चढ़ कर, मतलब मुझे उस टाइम पर, अब तो मैंने सब छोड़ दिया है, सजा संवार कर रखना कि मेरी बहू हमेशा स्पेशल दिखे, और कई चीज़ों में जो हमारी सोसाइटी में फंक्शन होते हैं उनमें मैं नहीं चाहती थी, पर वो मुझे आगे रखती थी, उन फंक्शन में पार्टिसिपेट करवाया करती थी कि तू हिस्सा ले, तू हिस्सा ले इसमें। शायद वो मेरे जरिए कई बातें अपने मन में अपनी खुशी के लिए करते होंगे, पर इतना मुझे किसी ने आगे कभी नहीं बढ़ाया। तो जब जब ये श्राद्ध आते हैं, वैसे तो कोई दिल से नहीं जाता पूरे साल आपके, पर जब कुछ उनके नाम का करना पड़ता है ना तो बहुत खराब लगता है। ते तो मुझे कितनी खुशी होती इस वक्त, और वो मुंह से बोल के कुछ भी बनवा लिया करते थे। मतलब जितने शौकीन थी, उनके जाने के बाद मेरा एक जो किचन में थोड़ा पकाने का कुछ भी मन हुआ करता था ना, वो भी चला गया उनके साथ साथ, वो भी खत्म हो गया। अगर मैं उस वक्त चार चीज बनाती थी तो अब एक या दो पर रुक जाती, वो भी शायद लक्ष्य के रहते हुए। अदरवाइज मैं कुछ नहीं करती हूँ अपने लिए। आज तो आंसू निकल गए मेरे, नहीं चाहती थी दिखाना, लेकिन फिर भी हो जाता है, आप नहीं रोक पाते, क्योंकि ये जरिया ही है अपना खुशी और दुख कुछ भी शेयर कर पाने का। जो बातें आप किसी से नहीं कर पाते वो आप यहाँ कर जाते हैं। तो छोटा सा वीडियो है मेरा आज का ये। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ आज और रिकॉर्ड कर सकूंगी, मैं कुछ और बना पाऊंगी आज, लेकिन कुछ थे भी मुझे दिखाने की चीजें, लेकिन ब्लॉग में पूरा डाल पाना मेरे लिए आज मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे उनका दिन आता है, क्योंकि उनका दिन इधर नहीं आता, पीछे वाले में आता है, तो जैसे जैसे उनका दिन आता है मेरे घर में ही एक दुख बढ़ जाता है। सिर्फ जन्म देने वाली माँ माँ नहीं होती, मानी जाती। अगर आप मानो तो जिसने आपको प्यार दिया है, कई बार जन्म देने वाली माँ वो प्यार नहीं दे पाती, और जो जन्म जिसने नहीं दिया वो आपको बहुत प्यार दे के जाती है। और डॉगी भौंका, रात होते ही शुरू हो जाता है, गेट पर बैठ जाता है,
रोटी मांगता है ना, मैंने शाम को रोटी डाल दी थी बाहर, तो जब वो आते हैं उस वक्त खा लेते हैं। आप बाहर चावल रोटी कुछ भी रख देते हो ना इनके नाम का, तो ये खा जाते हैं आकर। आप लोग बताइएगा आपके घर में श्राद्ध कैसे होता है, आप लोग किस तरीके से करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए उनके नाम का। अभी तो इतनी हस्ती नहीं है कि मैं कुछ उनके नाम का कर पाऊं। और 2 दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली चल रही है, पता नहीं क्यों। थोड़ा तो मुझे वॉक का कारण लग रहा है, और लक्ष्य बोल रहा था कि नहीं आप ज्यादा ही सोच रहे हो इस वजह से आपको लग रहा है, हो सकता है। तो आप लोग भी सोचोगे आज का वीडियो मैंने कैसा बना दिया। मैं रोती नहीं हूँ, शांत रहती हूँ, चुप रहती हूँ। आप हर वक्त नहीं रोते किसी के सामने, अपने बच्चे के सामने या फिर घर में औरों के सामने, क्योंकि उससे दूसरों पर असर पड़ता है, फर्क पड़ जाता है। तो उनके सामने नहीं रोया जाता, और खुश रहने का एक जरिया ये भी है कि आप अगर इस तरीके से अपने मन का दुख निकालते हो तो आप शायद मन का दर्द निकल जाता है, तो आप खुश कुछ टाइम के लिए खुशी दिखा पाते हो। वो सबके सामने खुश रहने की कोशिश करते हो, और कुछ मौके ऐसे होते हैं कि आपका दुख कंट्रोल नहीं होता। अभी मेरी सास का बर्थडे था 29 अगस्त को। उस दिन भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन लक्ष्य ने घर में किया था, मुझे बहुत याद आया वो, लेकिन मैं बस उसकी खुशी में सिर्फ हंस सकती थी, मुस्कुरा सकती थी। मम्मी जी तो नहीं थे, उनके टाइम में भी करते थे हम लोग, जितना भी हो पाता था उतना उस हिसाब से करते थे। और मैं थोड़ा धीमे बोल रही हूँ क्योंकि बगल के कमरे में लक्ष्य है, और सुन लेगा तो मेरा वीडियो बंद कर देगा पूरा वीडियो। अकेले में क्यों याद करते हो, क्यों मिस करते हो? मुझे पता है वो भी करता है, लेकिन वीडियो नहीं करने देता। ये एक दो मौके होते हैं साल के। एक मुझे उनकी दिवाली पर बहुत याद आती है, उनके बर्थडे पर बहुत याद आती है, और ये जो श्राद्ध के दिन होते हैं ना, इन दिनों को तो मैं उनके नाम का नहीं रखना चाहती, लेकिन मैं मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि वो नहीं है हमारे बीच में। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सोसाइटी, समाज आपको बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करवाता है कि वो नहीं है, तो आप उनके नाम का कुछ कीजिए। अब मैं यहीं बंद करती हूँ, और कल मिलती हूँ फिर वीडियो में। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।